जय श्री कृष्णा, मैं हूँ जयेश। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हो दोस्तों आप सब लोग? आज हमारी जर्नी होने वाली है बड़ोदरा से बेचरा जी, यानी मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट में जो माता बहुचर का मूल स्थान है। और बड़ौदा से बेचरा जी का दूरी है 220 किलोमीटर। और हमारी जर्नी होने वाली है GSRTC गवर्नमेंट सरकारी बस से। तो ये बस हमारी चलने वाली है सुबह 7:30 पे और हमको बेचरा जी पहुँचाएगी दोपहर के 1 या 1:30 बजे के आसपास। सूरत से बस हमारी आने वाली है, सूरत से बेचरा जी। हम जाएंगे बड़ौदा से बेचरा जी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं बस स्टेशन का लुक सुबह का। और मेरे हाथ में ये गर्मा गर्म चाय। और दोस्तों देखते हैं, अभी बहुत ठंड है, थोड़ा सा बस स्टेशन का लुक देखते हैं। अभी मेरी घड़ी में दोस्तों बज रहे 6:58। ये दोस्तों हमारी जर्नी होने वाली है 5 से 6 घंटे के बीच में। तो अहमदाबाद में अगर ट्रैफिक ना हो तो 5 घंटे में आपको बड़ौदा से बेचरा जी हम पहुंच जाएंगे। अगर ट्रैफिक हुआ तो 6 घंटे के आसपास टाइम लगेगा। तो चलिए दोस्तों एक बार रूट देख लेते हैं। हम निकलते हैं बड़ोदरा बस स्टेशन से, अहमदाबाद एक्सप्रेस हाईवे। ये अहमदाबाद से रानी बस स्टेशन, अडालज सर्कल, वहाँ से कड़ी, विठलापुर और बेचरा जी। दोस्तों बस के टिकट की प्राइस की बात करूं तो बड़ौदा से आप बेचरा जी जाएंगे इस बस से जो सूरत बेचरा जी जाती है, जो सुबह 7:30 पे जाती है, उस बस की टिकट की ऑनलाइन प्राइस है 184 रुपये, यानी 184। अगर आप बस के अंदर से टिकट लेंगे तो 5-10 रुपये कम लगेंगे। दोस्तों बेचरा जी से दो मुख्य स्थान है ऐतिहासिक, जिसे मोढेरा बोलते हैं। वहाँ से 17 किलोमीटर की दूरी पर है मोढेरा सूर्य देव मंदिर, जो बहुत प्राचीन है। और वहाँ से है एक शहर पाटन, जहाँ बड़ी वाव है, बहुत ऐतिहासिक शहर है पाटन। और मोढेरा 50 किलोमीटर की दूरी पर है पाटन। देख सकते हो ये बड़ोदरा बस स्टेशन सेंट्रल बस स्टेशन के नीचे पार्किंग का है, पार्किंग स्लॉट, जहाँ बाइक का है ये 2 घंटे का 10 रुपये, 12 घंटे तक का 20 रुपये और 24 घंटे तक का 40 रुपये। दोस्तों देख सकते हैं हमारी बस आ चुकी है, ये डिलक्स है मोडेरा की। और एक बार तो देख लेते हैं, सूरत से बेचरा जी, अंकलेश्वर, वडोदरा, अहमदाबाद, कड़ी, देत्रोज, ऐसे कुछ बस है हमारी। मेहसाणा डिवीजन की है बेचरा जी, ऐसी दिखती है हमारी बस, सूरत अहमदाबाद बेचरा जी। ऐसे कुछ बस है दोस्तों, ये मेरी सीट है 3 नंबर आगे की। 7:33 पे हमारी बस चल चुकी है। ये हमारी बस दोस्तों वडोदरा बस स्टेशन से बाहर निकलती हुई।
Thank you.
Thank you.
अभी दोस्तों सुबह के 10 बजे और 11 मिनट हो चुकी है। अभी दोस्तों हम आ चुके हैं अपनी इस जर्नी की 121 किलोमीटर की दूरी तय करके राणी, जो अहमदाबाद का दूसरा बड़ा बस स्टेशन है। वैसे तो कई सारे बस स्टेशन हैं, जैसे बापूनगर हो गया, नवरंगपुरा हो गया, पालड़ी हो गया, लेकिन ये काफ़ी बड़ा बस स्टेशन है। यहाँ पे राजस्थान की भी आप बसें देख सकते हो मेरे पीछे। और ये सामने राजस्थान की बसें यहाँ पे खड़ी रहती है। और जो सबसे बड़ा गीता मंदिर बस स्टेशन है वहीं पे आती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ खड़े रहने के लिए यहाँ पे खड़ी रहती है राजस्थान की बसें। और ये हमारी कुछ ऐसी बस है सूरत बेचरा जी, चल चुकी है रानी बस स्टेशन अहमदाबाद से। हमारे कंडक्टर साहब, क्या नाम है आपका? दीपक भाई। इस जर्नी के बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस है? कितने टाइम से आप इस बस से नौकरी में है और कितने बजे को बेचरा जी उतारेगी बड़ौदा से? ऐसा कुछ बड़ौदा से बेचरा जी उतारेगी 12:30 बजे तक उतारेगी। 12:30 बजे तक। और कितना टाइम होगा समथिंग बड़ौदा से? जर्नी कितने टाइम की रहेगी? चार साढ़े चार घंटे। अगर ट्रैफिक हुआ तो ज्यादा लेट भी हो जाए। और क्या एक्सपीरियंस है इस रूट पे आपका, कोई कुछ कहना चाहेंगे इसका? इसमें मुसाफर जो रोज रोजिंदा आने वाले आते हैं, नौकरी धंधे वाले, उसको टाइम से पहुंचाते हैं। और क्या, बस में साफ सफाई अच्छी रहती है। और जो लोग रोजिंदा नौकरी करते हैं, जो मुसाफर पास लेके जाते हैं, उन लोगों की सवारी अच्छी लगती है। अका रोड के भाई? सुभाष। ये दोस्तों देख सकते हैं आप, ये सुभाष रोड है चांदखेड़ा का, जो बहुत ट्रैफिक है। और हमको पहुंचने में शायद, हमारी जर्नी थी 5 घंटे के आसपास, तो शायद आप देख सकते हो कि ट्रैफिक में इतना है, अभी लग सकता है कि 1 घंटे देरी में पहुंचा जाए बेचरा जी। हाँ भाई, ट्रैफिक का रोज का है ऐसा। अभी दोस्तों हमारी घड़ी में बज चुके हैं 10:20 और आप ट्रैफिक का हाल देख सकते हो। यहाँ से निकलना यानी दांतों तले उंगलियां चबाने जैसा हो गया है। वैसे भी हम 10-15 मिनट तक यहाँ पे रोड पे ही खड़े हैं। अभी दोस्तों 1/2 घंटे में खड़े रहने के बाद ये अभी ट्रैफिक खुला है। अहमदाबाद का ट्रैफिक यानी मान लो आपका 1-2 घंटे जो जर्नी करने के लिए जा रहे हो, तो 1-2 घंटे ऐसे ही समझ के चलना ही पड़ेगा, बहुत ट्रैफिक है। Thank you.
Thank you.
એટલો ભારી હતી
ये मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को सोचना चाहिए कि एक ये नट है जो बाहर निकला हुआ है और एक दूसरी साइड ये भी नट है जो दोनों फट सकता है, किसी का सामान या किसी के पैर में चोट लग सकती है। अगर ये दोनों नट अंदर की साइड हो तो अच्छा रहेगा। हम मुझे बराबर मारा बोलू बस दोस्तों। हम आ चुके हैं अपनी लास्ट डेस्टिनेशन पे बेचरा जी। 220 किलोमीटर की जर्नी कवर करके जो हमको लगे 5.5 घंटे, अभी हमारी घड़ी में बज चुके हैं। अभी दोस्तों हमारी घड़ी में बज चुके हैं 12:51। दोस्तों 1 बजे के आसपास उतारा है और काफ़ी अहमदाबाद में ट्रैफिक होने के बावजूद भी ड्राइवर साहब ने अच्छी बस को टाइम कवर कर लिया, तो हमारी जर्नी अभी 5.5 घंटे की हुई है। तो चलिए दोस्तों आपको दिखाता हूँ मंदिर कैसा है, बाहर का लुक और खाने की यहाँ पे व्यवस्था है या नहीं है मंदिर के द्वारा। तो चलिए दोस्तों मंदिर की ओर। दोस्तों कुछ बेचरा जी का बस स्टेशन ऐसा है, पास में ही रास्ता है मंदिर जाने के लिए, सिर्फ 5-10 मिनट का ही रास्ता है। ऐसा कुछ बेचरा जी का बस स्टेशन।
आपको भोजन करने के लिए बाहर आना पड़ेगा मेन हाईवे पे, मंदिर से ये मेन हाईवे रास्ता, ये पुलिस चौकी है, इसके सामने बिल्कुल राइट साइड की ओर जाएंगे तो ये ऐसा बोर्ड आएगा और ये है बहुचर भोजनालय अन्नपूर्णा भवन, जो बहुचरा जी ट्रस्ट के द्वारा बनाया गया हुआ है। और ये है टिकट बारी, जहाँ से आप टिकट ले सकते हो, और लड्डू लेना चाहते हो उसका अलग से रेट 16 रुपये, और वैसे कुछ टिकट है 30 रुपये का अनलिमिटेड। और ऐसा कुछ डाइनिंग हॉल है बहुचरा जी ट्रस्ट के द्वारा बनाया गया हुआ, ये हमारी थाली आ गई है। ये मेरी लेफ्ट साइड की और एक कटोरी में दाल है, चने की सब्जी है, राइट साइड में आलू की सब्जी, पापड़, चावल, ये खमन और ये पूरी। तो इस जर्नी के लिए बस इतना ही, अपने चैनल को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपको ये बड़ौदा से बेचारा जी की बस जर्नी आपको कैसी लगी। चलिए मिलते हैं अगली नई एक और जर्नी में। जय श्री कृष्णा।